अब हम जावा में आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं ये देखेंगे आइडेंटिफायर्स भी जावा में एक टोकन है टोकन क्या है टोकन इज़ द द्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड तो आइडेंटिफायर्स भी एक टोकन हुए तो आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं आइडेंटिफायर उन नामों को कहते हैं जो नाम हम क्लास को देते हैं मेथड को देते हैं वेरिएबल को देते हैं या किसी लेवल को देते हैं अब हम एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग ए आर जी एस इंटीजियर इजल टू जीरो हमने इस तरह के प्रोग्राम इसके पहले वीडियो में देखे हैं यहाँ पर टेस्ट जो है ये क्लास नेम है ये हमने दिया हुआ नाम है यानी यूज़र ने दिया हुआ नाम है अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक void main मेन जो है ये एक मेथड नेम है उसके बाद में स्ट्रिंग ए आर जी एस स्ट्रिंग ये क्लास का नाम है क्लास नेम है ए आर जी एस ये वेरिएबल नेम है और ए इज इक्वल टू जीरो में ए जो है ये वेरिएबल नेम है तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के आइडेंटिफायर्स हैं इसमें क्लास है मेथड है और वेरिएबल नेम है तो ये जो नाम है इनको कहते हैं आइडेंटिफायर्स तो जब हम जब हम ये नाम देते हैं तो उसमें हम किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं या हम क्या क्या कर सकते हैं ये जो नाम है आइडेंटिफायर्स इसमें आप सभी अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स यानी कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जीरो से लेके नाइन तक और उसके बाद डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर। तो ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स और ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स इनको आप इन नामों में इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन जो नाम हैं वे किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए यानी ए से ले कर तक स्मॉल हो या कैपिटल हो उससे नाम की शुरुआत होनी चाहिए आप किसी नंबर से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते उसके बाद नाम लिखते समय नाम दो शब्दों से नहीं बना सकते आप यानी दो दो शब्द अगर हो आपका लंबा नाम हो तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते इसलिए अगर आपको दो अलग अलग शब्दों वाला नाम लिखना हो तो इसके लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए तो बेसिकली उसको एक ही वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है आप दो वर्ड का नाम नहीं बना सकते आइडेंटिफायर्स के लिए उसके बाद में ये केस सेंसिटिव होता है अगर आपने कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा तो उसको उसी तरह से पहचाना जाता है और उसके बाद रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज हम रिज़र्व वर्ड्स का इस्तेमाल आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते रिजर्व वर्ड्स क्या हैं इसमें अब इस प्रोग्राम में हम देखें पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड ये जो हैं सभी ये रिज़र्व वर्ड्स में आते हैं आपकी किताब में रिज़र्व वर्ड्स की आपको लिस्ट मिलेगी वो आप देख लीजिए तो इसके अंदर जो भी रिज़र्व वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं कर सकते आप यहाँ पे नहीं लिख सकते कि पब्लिक क्लास स्टैटिक या पब्लिक क्लास क्लास इस तरह से आप नहीं लिख सकते या इंटीजर पब्लिक इज इक्वल टू सेवेंटी ऐसे आप नहीं लिख सकते तो ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं कर सकते अब हम आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे वेरिएबल्स जावा में क्या है वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है जो अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं जैसे क्लास नेम है मेथड नेम है उसी तरह से वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है आइडेंटिफायर क्या है आइडेंटिफायर एक टोकन है टोकन क्या है टोकन जो है जावा का सबसे छोटा यूनिट है जो कंपाइलर पहचान सकता है तो हम वेरिएबल के बारे में देखेंगे वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन तो जब हमको प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है या तो प्रोग्राम की शुरू में उसको एंटर करते हो या यूज़र के द्वारा इनपुट जो होता है उसको आप स्टोर करते हो उसके लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है तो उस जगह को जो है वेरिएबल कहते हैं और उस वेरिएबल को पहचानने के लिए हम उसे कोई नाम देते हैं तो हर एक वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की होती है वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशलाइज तो हमको बताना पड़ता है कि हमको किस तरह का वेरिएबल चाहिए यानी कि हमको किस तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर करना है तो आप किस तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं आप बना सकते हैं इंटीजर फ्लोट डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग और बुलियन तो हम इसको इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे बनाएंगे इंट ए यहाँ पर इंट फ्लोट डबल कैर स्ट्रिंग और बुलियन ये जो हैं ये जावा के कीवर्ड्स हैं या रिज़र्व वर्ड्स हैं ए जो है वेरिएबल का नाम है आप ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे तो ये होगा आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल ये होगा फ्लोट टाइप का वेरिएबल एफ जो है डी जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल है सी जो है वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है एस जो है वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है टी जो है वो बुलियन टाइप वेरिएबल है इसको डिक्लेरेशन कहते हैं अब इनिशियलाइजेशन उस वेरिएबल में हमको अगर कुछ स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे इंट में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं ए इक्वल्स टू टेन फ्लोट में हम फ्लोटिंग वैल्यू एफ इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो ये डबल है यानी फ्लोट की डबल स्पेस इसके अंदर होती है उसके बाद कैरेक्टर c इक्वल्स टू सिंगल कोट a तो सिंगल कोट जो है ये हम कैरेक्टर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस तरह से हम लिखते हैं उसके बाद में स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है यस yes, इसके हम अंदर हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे s इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ब्लू जे मैंने लिखा है उसी तरह से बुलियन टी ये हुआ डिक्लेरेशन टी इज इक्वल टू फाल्स ये हुआ इनिशियलाइजेशन बुलियन में ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यूज होती हैं अब ये हमने दो लाइनों में लिखा इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं इंट इज इक्वल टू टेन इनिशियलाइज डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही जगह पे हुआ हमारा तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अब हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं देखते हैं कि हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि हमको इंटीजर ए बी सी चाहिए अब ये जो इंटीजर बनते हैं बनने के बाद में हमको यूज़र से जानकारी मांगनी है कि ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू आपको क्या चाहिए और यूज़र से वैल्यू मिलने के बाद हम उसको समझो हमें एडिशन करना है उन दो वैल्यूज़ का सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी तो यूज़र से उसकी वैल्यू हमें जब मिलती है तब हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं तो इस तरह से ये हम डायनामिक इनिशलाइजेशन इसको कहते हैं उसी तरह से फ्लोट फ्लोट में हम यहाँ पे ए इज़ इक्ल टू टू पॉइंट फाइव बी इज़ ईक्ल टू थ्री पॉइंट फाइव और सी तो हमने तीन फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए और सी और उसके ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं सी इज़ इक्ल टू ए प्लस बी अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर ऑलरेडी हैं तो सी को यहाँ पर कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो एडिशन है वो सी के अंदर स्टोर करेगा उसी तरह से डबल इंट ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और डबल डी यहाँ पे ए और डी ये दो डबल ये दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं इसके अंदर ए जो है इंटीजर है अब हम इसको डी इज इक्ल टू मैथ डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ ए डी के अंदर हम ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट क्रिएट करेंगे और उसको डी में स्टोर करेंगे तो ये हुआ डायनामिक इनिशियलाइजेशन तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर नहीं करते हैं। तो एक वहाँ पे कोई प्रोसेस होगा उस प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो उसके अंदर स्टोर होगा उसके अंदर उसी तरह से स्ट्रिंग तो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की एस वन एस टू एस थ्री तो प्रोग्राम के जो प्रोग्राम जब चलता है उस समय हमने समझो यूज़र से हमने ये जनरेट किया ये जो स्ट्रिंग्स हैं यूज़र से मांगी स्ट्रिंग्स और फिर उसके बाद हम एस थ्री को हम कॉन्केटिनेट करेंगे एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू एस थ्री तो ये दो स्ट्रिंग्स को दो स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी प्रोग्राम के भीतर उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के हम एस थ्री स्ट्रिंग बनाएंगे तो इस तरह से वेरिएबल्स को डायनामिकली इनिशलाइज़ कर सकते हैं तो क्लास नाइन्थ आई सी एस सी क्लास नाइन्थ के जावा विथ ब्लूजे में वेरिएबल्स के बारे में इतनी जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है